किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको धान में लगने वाले प्रमुख कीट लीफ फोल्डर यानी पत्ती मोड़क के बारे में बताऊंगा। इसे लोकल लैंग्वेज में चित्री भी कहा जाता है। धान बुआई के लगभग एक महीने के बाद जब धान कंसावस्था से गभोटावस्था की ओर अग्रसर होती है उस समय लीफ फोल्डर यानी पत्ती मोड़क का प्रकोप अक्सर देखने को मिलता है। और इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इसकी इल्ली जो है हरे रंग की होती है और ये धान के पत्तों को दोनों किनारों से जोड़कर उसे ब्लॉक कर देती है, यानी उसे दोनों किनारों से जोड़ देती है और जो ग्रीन टिश्यू है यानी जो हरे भाग हैं उसे खुरच कर खाने लगती है, जिससे बाद में पत्तियां जो हैं सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं। और इसका जो एडल्ट यानी तितली है वो जो है सफ़ेद रंग की या हल्के भूरे रंग की दिखाई देती है। जब इसका प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तो पूरे खेत में सफ़ेद धारियां रूपी पत्ते दिखाई देने लगती है और बाद में यह पत्ते सूख जाते हैं, जिससे बहुत अधिक किसानों को नुकसान होता है। इसका समय पर नियंत्रण, इन कीटों का समय पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, अगर इस प्रकार के लक्षण आपके खेतों में दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत में पत्ती मोड़क यानी लीफ फोल्डर का अटैक हो चुका है। तो इसके नियंत्रण यानी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है मेड़ों की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि यह कीड़ों के वैकल्पिक पोषक का कार्य करते हैं। और हम जो फर्टिलाइज़र उर्वरक का यूज करते हैं उसे संतुलित मात्रा में करना चाहिए और ख़ासकर यूरिया का मात्रा जो है तीन भागों में देना चाहिए, यानी तीन बार देना चाहिए, एक ही बार में पूरी मात्रा को नहीं देना चाहिए। और इसके जो रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यदि दानेदार के बारे में बात करें तो सभी जानते हैं फर्टेरा 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। इसमें टेक्निकल क्लोरेंट्रा 0.4% होता है। ये ना केवल पत्ती मोड़क बल्कि तना छेदक, छेदक इल्ली, लार्वा, सूड़ी, माहू, एफिड को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। इसलिए ये पौधों के सिस्टम में जाकर पौधे को जहरीला बना देता है, जिससे कीट इसको, इसके पत्तियों को खाते हैं या रस चूसक कीट अगर रस चूसने का कोशिश करते हैं तो ये वहीं पर ये सभी कीट मर जाते हैं। इसके अलावा विरटाको आता है, जिसमें टेक्निकल क्लोरेंट्रा 0.5% प्लस थाइमेथॉक्सम 1% होता है। आप इसका यूज 2.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और स्प्रे के बारे में बात करें तो क्लोरेंट्रा 18.5% SC जो कि कोराजन के नाम से आता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। और जो मैं कीटनाशक बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ वो ना केवल पत्ती मोड़क बल्कि तना छेदक, छेदक इल्ली, लार्वा, सूड़ी, माहू, एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई के लिए भी बहुत अच्छा नियंत्रण करेगा, क्योंकि यह सिस्टेमिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। इसलिए इसका प्रयोग उचित मात्रा में और ख़ासकर बच्चों से पहुँच से इसे दूर रखना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम अन्य कीटनाशक के बारे में बात करें तो फिप्रोनिल 5% SC आता है, जिसका यूज 800 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। ये बाज़ार में कई नाम से आता है जो कि बहुत फेमस है, रिजेंट बायर का। इसके अलावा फरारी, फास्टर, रिजल्ट, फिप्रोपीट, विजेंट, इस नाम से भी आता है, महावीर, फैक्स इत्यादि नामों से भी आता है, तो इसका यूज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बायर की फेम का भी यूज किया जा सकता है, जो सभी प्रकार के सूड़ी, फली भेदक और सेमी लूपर, तना छेदक और पत्ती मोड़क सभी प्रकार के सूड़ियों को, इल्लियों को नियंत्रित करता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों।